चलिए, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 130वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने नवाचारों के लिए आपके मध्य जाने जाते हैं, कुछ नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज एक बेहद खास दिन, वीर बाल दिवस की संध्या, पूर्व संध्या, कल 26 जनवरी, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, उसकी पूर्व संध्या पर आज हम एक कविता का एक कविता गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, बालकों से संबंधित सारी चीजों के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्र जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनकी उम्र 9 वर्ष और 6 वर्ष थी, 26 जनवरी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए इससे बड़ा बलिदान इतनी कम उम्र में देना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह जी राष्ट्र रक्षा के लिए, उनका पूरा परिवार, एक एक करके दोनों बड़े बेटे, फिर माता गुजरी, फिर गुरु गोविंद सिंह जी, फिर उनके दोनों बच्चे, जिस यातना का शिकार हुए और जिस प्रकार उन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्योछावर किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने आप में एक अभूतपूर्व बात है। उसी के उपलक्ष्य में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाना तय हुआ है हम सबके लिए। उनको याद करने का एक अच्छा अवसर है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अच्छा अवसर है। इसी अवसर पर हम बच्चों से संबंधित कविताएं या जो भी स्वरचित कविता पाठ करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां आज मुझे याद आती हैं। वो कहते हैं, जब कोई वीर बलिदानी अपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान देता है, वो सर्वोच्च बलिदान होता है। पुष्प की अभिलाषा हम सबने बचपन में पढ़ी थी कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। फूल की इतनी सी अभिलाषा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, राष्ट्र मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है, एक गौरवशाली, इतना बड़ा इतिहास रहा है कि जिसको याद करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन हमारा इतिहास समाप्त नहीं होता है। छोटे से लेके बड़े ने, हर व्यक्ति ने राष्ट्रहित के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसी क्रम में मैं आज कविता पाठ करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ ममता दीदी को। ममता दीदी, ममता सिंह, ममता नरेंद्र सिंह, CWC रीवा की चेयरपर्सन है, बहुत सेंसिटिव है, लिखती भी हैं और बच्चों के क्षेत्र में काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं ममता दीदी से। ममता सिंह जी, आप अपनी कविता रखें। जी भाई साहब, सभी को प्रणाम करती हूँ और अपने दो छोटे मुक्तक के बाद अपनी एक छोटी सी कविता को पढ़ती हूँ। मेरे मुक्तक को शुरुआत करती हूँ मैं कि कथनी करनी का अंतर है कोई कैसे मंजिल पाए, कथनी करनी का अंतर है कोई कैसे मंजिल पाए, और स्वप्न अधूरे रहे उन्हीं के जो बोले पर कर नहीं पाए। ये मेरा छोटा सा मुक्तक है और मैंने अपने उन बच्चों के लिए जो अपने बड़ों को आज के युग में अपने से बहुत नीचा समझते हैं या समझते हैं कि हम उनके इक्विवेलेंट खड़े रहने के काबिल नहीं है, उनके लिए मैंने दो पंक्तियां लिखी थी कि तुम गिर रहे हो उठो संभलना तो सीख लो, कि तुम गिर रहे हो उठो संभलना तो सीख लो, और इंसान हो तो प्यार में ढलना तो सीख लो। तुम बाद में उतरना किसी चंद्रलोक पर, तुम बाद में उतरना किसी चंद्रलोक पर, कुछ दिन अभी धरती पे चलना तो सीख लो, और कुछ दिन अभी धरती पे चलना तो सीख लो। और मेरी एक बहुत अच्छी कविता है भाई साहब, जहां भाई साहब समय का वो रहेगा वहां पे आप मुझे टोक देंगे। मैं दो छोटी कविताएं आपको बता रही हूँ। इसमें चलता शब्द जो है हमने समय के लिए उपयोग किया है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं, भागता जा रहा है और हमें समय के साथ दौड़ना है। हम दीदी जी ज्यादा भाई, भूमिका ना बना के अपनी दो से दो छोटी छोटी दो या तीन कविताएं ठीक लिखें। ठीक जी भाई, जी भाई। तो द्वारे द्वारे दीप जलाने मैं चलता हूँ तू भी चल, द्वारे द्वारे दीप जलाने मैं चलता हूँ तू भी चल, और हर घर में एक अलग जगाने मैं चलता हूँ तू भी चल, और एक दो होते हैं लेकिन हम 11 होंगे, एक और एक दो होते हैं लेकिन हम 11 होंगे, सबको ये विश्वास दिलाने मैं चलता हूँ तू भी चल, हर घर में एक अलग जगाने मैं चलता हूँ तू भी चल, और टुकड़ों में तस्वीर वतन की आज दिखाई देती है, टुकड़ों में तस्वीर वतन की आज दिखाई देती है, एक नई तस्वीर बनाने मैं चलता हूँ तू भी चल, हर घर में एक अलग जगाने मैं चलता हूँ तू भी चल, और लड़ भिड़ कर जो बनवा दी थी हमने अपने आंगन में, लड़ भिड़ कर जो बनवा दी थी हमने अपने आंगन में, आज वही दीवार गिराने मैं चलता हूँ तू भी चल, और हर घर में एक अलग जगाने मैं चलता हूँ तू भी चल, और द्वारे द्वारे दीप जलाने मैं चलता हूँ तू भी चल।
और आज के समय को देखते हो भाई साहब, एक छोटी सी कविता कि मैं छंद मुक्त कविताएं लिखती हूँ भाई साहब, कि मैं क्षितिज पर निहारती खोजती स्वयं में स्वयं को, और क्या कहाँ छूट गया कुछ तो है जो टूट फूट गया, आज भागती दौड़ती फास्ट फूड से खोखली जिंदगी, संस्कार और मर्यादा विहीन नौनिहाल और माँ बाप को बांटते परिवार, चश्मे की टूटी डंडी से दवाई के लिए निहारती पनीली आंखें और हाथों से चाय के प्याले धोती बूढ़ी माएं, सब्जी का झोली लिए बूढ़ी याददाश्त से हिसाब देते बाबूजी, कहाँ खो गई मायके के मैं आई बुआ को ढूंढती उसकी बचपन की सखियां, सबसे सुने पेड़ के पीछे चुपके से बतियाती पीहर और सासरे के किस्से सुनाती, गलबहियां डाले हुई है वो भुइया, कंचे पतंग और छुट्टियों में धूल धूसरित भैया, पापा की डांट खाते तो कनखियों से मुस्कुराती दीदियां, होली के हुड़दंग में गुजिया की क्या मिठास, रंगों में प्यार और दिवाली की उजास, रिश्तों में कहाँ खो गया पनघट की, रिश्तों में कहाँ खो गई ये बातें, पनघट की बातें और आंचल सवारते हाथ, चूड़ियों की खनखनाहट और महावर लगे दौड़ते पांव, परदेश में बसे लोगों की बाट निहारती आंखें और डाकिया की साइकिल की घंटी को निहारती आंखें, चिट्ठी की छीन झपट और ढोलकी की थापे, चौपालों की बातें और मिट्टी के घड़ों में पड़ते अचारों की खुशबू और बेग भी आम की फांके, घर में इकट्ठे होते पाठशाला जाते झुंड के झुंड बच्चे, एक ही डब्बे में खाते न जाने कितने बच्चे, देवर भाभी के चूहल भरे किस्से और ननद और भौजाई के आंखों आंखों में एक दूसरे की बातें सुनाते मीठे मीठे रिश्ते, तो कहाँ खो गई ये बातें और कहाँ खो गई ये उजास, कहाँ कहाँ हम कहाँ कहाँ खो गई ये मिठास, कहाँ खो गई चूल्हों की मिठास और कहाँ खो गई बंधनों की उजास, कहाँ दरवाजे से मनिहार की आवाज सुनते ही पायल दौड़ती पायलों की छनछनाहट और बाँ की आवाज पर माँ के उल्हानों पर आंचल को दांतों में दबाती हंसती बहुएं, तो कहाँ खो गई ये उजास, कहाँ खो गई ये मिठास, हमें नहीं चाहिए टूटते चूल्हे और टूटते परिवार, हमें कोई तो ऐसा हो जो तोड़ दे इन ओल्ड होमों को, कोई तो ला दे वो दरवाजे का गौरव जहाँ दरवाजे पर ऐनक चढ़ाए अखबार से बाबू जी, पर कोई तो ला दे वो दरवाजे का गौरव, आंखों पे टूटी डंडी का चश्मा चढ़ाए अखबार पढ़ते बाबूजी, और आंचल को हाथ से संवारती चाय का प्याला पकड़ाती परिवार, चाय का प्याला पकड़वाती अम्मा, हमें एक ही परिवार में अपने हिंदुस्तान को ढूंढना है, आओ लौट चले परिवार की ओर, आओ लौट चले परिवार की ओर। जी दीदी, बहुत बढ़िया। द्वारे द्वारे दीप जलाता मैं चलता हूँ तू भी चल, बहुत अच्छी पंक्तियां दीदी। आग्रह सबसे रहेगा कि थोड़ा समय पे चलेंगे तो हम सब लोग अपनी बात कर पाएंगे। कुछ इसी तरह का प्रयास भोपाल से मनीषा चतुर्वेदी जी कर रही हैं, द्वारे द्वारे दीप जलाता मैं चलता हूँ तू भी चल अलख जगाता, तो ऐसा ही कुछ एक अद्भुत और अनूठा प्रयास कर रही है मनीषा जी बच्चों के साथ। मनीषा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में आप इस जो आप काम कर रही हैं उस पर भी बात करें, और उसके पश्चात आप अपनी कविताएं पढ़ें, फिर हम रक्षा जी की कविताओं की तरफ चलेंगे। मनीषा जी, सभी सभी को बहुत नमस्कार। मेरा भाई साहब, बात यहाँ से शुरू हुई कि एक दिन मेरी बिटिया के फोन पर उसकी दोस्त का मैसेज आया कि तुम आज जो कल अपने प्ले होने वाला है उसमें क्या रोल कर रही हो। तो चूंकि मेरी बेटी घर पे नहीं थी तो मैंने जवाब दिया कि मैं एक वृक्ष बन रही हूँ और वो लेखक उस वृक्ष की कहानी सुनाएगा। मैं लेखक बन रही हूँ और एक वृक्ष की कहानी सुना रही हूँ। तो उसका जवाब मुझे आता है कि यार इंग्लिश में लिखो, ऐसे मुझे समझ में नहीं आता, और वो भाषा का स्तर भी बहुत खराब था। तो मैंने फोन लगाया और बोला कि बेटा तुम्हें क्या मेरी बात समझ में नहीं आई। तो उसने बोला आंटी सॉरी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये हम मतलब क्या कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें छोटे से वृक्ष और लेखक समझ में नहीं आ रहा है और उसकी भी वो इंग्लिश में लिखने की डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाषाई स्तर बच्चों में बहुत धीरे धीरे गिरता जा रहा है, जैसे हमें शायद बहुत देर में समझ में आए। आज की तारीख में बच्चे छोटे छोटे से गिनती नहीं समझ रहे हैं और जब भी प्ले करते हैं तो किसी ऐसी चीजों पे करते हैं जहां पर लगता है कि इनको और अगर प्रयास किया जाए तो ये बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। और यही हुआ, गणेश उत्सव था हमारे यहाँ, हमारे कॉलोनी के बच्चों ने जो सुंदरकांड प्रस्तुत किया उसके बाद से सभी के माता पिताओं को लगा कि ये तो बड़ा अच्छा प्रयास था और क्यों ना हिंदी, क्योंकि अब जो जो देखो वो इंग्लिश ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं क्या महसूस किया और हिंदी की ट्यूशन पढ़ने भेजा। जब बच्चे हिंदी की ट्यूशन पढ़ने आए तो घरों में थोड़ा सा माहौल बदलने लगा, उनके दादी बाबा उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो बड़े प्रसन्न रहने लगे कि ये तो अपनी जो कहानियां हैं जो हमारे रियल हीरोज हैं, हमेशा बारबी की कहानी सुनाना जिसमें कि कोई ना लक्ष्य है ना वो कुछ पाना चाहती है, बाजार से एक ऐसी गुड़िया को खरीद लाना, अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा हम देना चाहते हैं। तो
मैं माफी चाहूंगी, एक फोन आ रहा है, मैं काट रही हूँ। जी, तो यही वजह थी कि वो चीजें आगे बढ़ी और अब इतनी अच्छी हो रही है कि बच्चे आने वाले दिनों में नए साल पर भी कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अगर आप मौका देंगे तो वो भी हम आपको जरूर दिखवाएंगे, जो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को और समृद्ध करेगा। अब मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ कि शुभकामना से मुलाकात। कविता का शीर्षक है शुभकामना से मुलाकात। आज जब मैंने अपनी शुभकामनाओं का झोला टटोला, आज जब मैंने अपनी शुभकामनाओं का झोला टटोला, झोले का मुंह बड़े प्यार से खोला, तो देखा उसमें कुछ नन्ही शुभकामनाएं मुझे देखते ही छुपने का प्रयास कर रही थी। तो देखा कि उसमें कुछ नन्ही शुभकामनाएं मुझे देखते ही छुपने का प्रयास कर रही थी। मैं समझ नहीं पाई कि वो मुझसे इतना क्यों डर रही थी। तब तक एक डरी सहमी शुभकामना मेरे हाथ आ गई। तब तक एक डरी सहरी सहमी शुभकामना मेरे हाथ आ गई। मैंने उसे अपने झोले से निकाला, बड़ी नजाकत से संभाला। तभी एक आवाज आई, आज तुम मुझे किसे देने जा रही हो? तभी एक आवाज आई कि आज तुम मुझे किसे देने जा रही हो? मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, मैंने पूछा, आज तुम मुझे किसे देने जा रही हो? मैं इधर उधर देखकर चिल्लाई, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे हाथों में कैद शुभकामना। कहा रही शुभकामना, तुम तो बोल भी सकती हो? शुभकामना बोली, मैं मौन रहते रहते थक गई हूँ। मैं मौन रहते रहते थक गई हूँ। ये बताओ तुम क्यों करती हो मुझे इधर से उधर शिफ्ट, जबकि लोगों को पसंद आते हैं बड़े बड़े गिफ्ट? मैं समझ नहीं पाई कि शुभकामना के इस प्रश्न का क्या जवाब दूं। अंततः मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मेरे कुछ अपने हैं शुभकामना, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। शुभकामना हंसते हुए बोली, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तुम तो इतना भी नहीं जानती कि जो तुम्हारे अपने हैं उनका साथ मैं कभी छोड़ती ही नहीं, चाहे वो तुम्हारे पास हो या दूर चले जाएं कहीं। शुभकामना के इस जवाब पर मैं कुछ न कह सकी, बस चुपचाप ताकती रही अपने हाथों में कैद उस नन्ही शुभकामना को। बहुत बढ़िया। हम इसी क्रम में, चूंकि रक्षा जी कहीं व्यस्त हैं, उनको कहीं जाना है, तो रक्षा जी से आग्रह करूंगा कि आप भी इस तरह का कुछ एक प्रयोग कर रही हैं बच्चों के साथ, उस पर अगर 1-2 मिनट बात करें और 1 या 2 अपनी कविताएं कहें। रक्षा जी, आप सभी को नमस्ते, और मैं माफी चाहती हूँ, आज तो समय तक जुड़ नहीं पाऊंगी। एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे कार्यालय आना पड़ा है, वहीं पर हूँ, तो बहुत ज्यादा मेरी बातचीत नहीं हो पाएगी। और मेरी इच्छा भी थी कि मैं सबको सुनती, पर अब शायद वो संभव ना हो पाए। बस एक छोटी सी अपनी कविता पढ़ती हूँ और उसके बाद विदा लूंगी। ये जो आज की बातचीत है, वो जिस जगह पर हूँ वहां से ये संभव भी नहीं हो पा रही है। तो चौबे जी, बस एक कविता पढ़ देती हूँ और उसके बाद आपसे माफी चाहूंगी, विदा लूंगी। कि प्रतीक्षा की अनगिन घड़ियां कंठ को रुद्ध किए देती हैं, देह का कंचन समय की निहाई पर घिसा जा रहा है अनवरत, बहे जा रहे हैं बेप्रेमिल दिन, जिन्हें जन्मांतर तक साथ चलने के रास्ते में हमने एक साथ खो दिया। हमें नदी से पानी चाहिए था, हमने रेत उली थी। हमें नदी से पानी चाहिए था, हमने रेत उली थी। पहाड़ों से याचना करनी थी औषधियों की, हम पत्थर मांगने लगे। पेड़ से चाहिए थे मीठे फल और छाया, जिसके तले की जा सके चुंबन की एक भोली चोरी, हम लकड़ी पर मर मिटे। अब प्रेम एक फेंक दिया गया बदरंग खिलौना है, जिसे रेत पत्थर और लकड़ी के ढेर पर बैठा मासूम बच्चा मसूड़ों से चुभलाता है। उबरना जैसे एक ऊब है, फंसे रहना जैसे एक नियति। तो ये वाह, फंसे कविता रहना जैसे हमारी उसी नियति। ऊब के लिए है, जिस जो हम लगातार शिकायत करते हैं कि इस समय हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हम अपने आप को बड़ा फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रकल्प हमने शुरू किया है अभी चार इमली में, संस्कार प्रबोधन पाठशाला के नाम से, जिसमें हमने अधिकारियों के बच्चों को खास तौर पे, कि जहाँ पर वे दरअसल
भूल चुके हैं कि प्रकृति हमारे प्रकृति के साथ चलने का नाम जीवन है, प्रकृति का दोहन करने का नाम जीवन नहीं है। इस तरह से एक छोटा सा प्रकल्प हमने यहाँ पर प्रारंभ किया है और उस प्रकल्प में हम सनातन धर्म की तार्किक और वैज्ञानिक बातों के साथ बच्चों से रूबरू होते हैं और जो देववाणी जिसे हम भूल चुके हैं संस्कृत, उसमें जितनी अच्छी अच्छी बातें आई हैं, चाहे वह वेद मंत्र हो, चाहे वह पुराणों के संदर्भ हो, या चाहे वह किसी भी तरह से किए गए सुभाषित हो, उनको हम बार बार दोहराते हैं। और एक जो दोहराव की पद्धति के साथ याद करने की एक हमारी मेथडोलॉजी थी, उसको हम फिर से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर बच्चे के पास इतना मनोबल हो, ईश्वर के प्रति इतनी आस्था हो और स्वयं पर इतना विश्वास हो कि वे हर मुश्किल से हंसते हंसते पार हो जाएं। हम उन्हें ये बताते हैं कि मुसीबतों का आना परेशानी नहीं है, मुसीबतों के सामने हार मान जाना बड़ी परेशानी है। तो इस तरह से हम उनका एक मानसिक प्रबोधन करने का वहां पर प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते हैं कि उन्हें स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी हुई बातें भी बताई जा सके। और जी बहुत सी और भी दीगर बातें हैं जो कभी होंगी, फिलहाल आज मैं आपके सामने इतनी ही बातें रख के धन्यवाद कहना चाहती हूँ। नमस्ते। जी हाँ, तो थोड़ा हम वीर रस की तरफ चलेंगे। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रयागराज से। बहुत अच्छा लिखती हैं और उतना ही अच्छा गाती भी हैं, उतना ही अच्छा पढ़ती भी हैं, समाज सेवी हैं, कई सारे संगठनों से जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा जी आप जुड़ी हैं? प्रतिमा जी हाँ, हम जुड़े हुए हैं। जी, तो अपना कैमरा चालू कर लें और हम चाहेंगे कि आप एक दो वीर रस की भी कविताएं गाकर सुनाएं हमें, तो कृपया अपनी कविताएं रखें। प्रतिमा जी आपका माइक बंद है। प्रतिमा जी हाँ भाई साहब, जी जी ठीक है, सुनाए। जय हिंद। कॉन्फ्रेंस रूम की तरह हाँ, आवाज आ आ रही रही मेरी? है जी, आ रही है, आवाज मेरी जा रही है? आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। कृपया कविताएं सुनाएं। जी हाँ, चूंकि मैं थोड़ा सा कहीं बाहर आ गई थी, अच्छा जी, विलंब के लिए क्षमा चाहती हूँ। कौन सा है ये? हाँ, मैं आ चुकी। मैं प्रतिमा मिश्रा प्रयागराज से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और चूंकि आज एक हमारा तो कोई विशेष डे नहीं है, पर अभी आज 25 दिसंबर है, लोग क्रिसमस डे बहुत धूमधाम से लोग मना रहे हैं। तभी तो कुछ मैसेज एक वायरल हुआ था इस बीच की, आज ही कल ही आया, मैंने भी उसे पोस्ट किया कि हमारे देश में संता गिफ्ट लेके नहीं आता है, वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने आता है। पर इन सब के साथ मैं कुछ न किया, क्योंकि मैं वीर रस की कवित्री हूँ, जब भी कुछ लिखती हूँ तो मुझसे राष्ट्रप्रेम ही लिखाता है। तो 4 पंक्तियां मैं अपने देश के लिए आप सबके बीच रखती हूँ। लगे जोगी गजलों सी सुरीली शाम हो जाऊं, लगे जोगी गजलों सी सुरीली शाम हो जाऊं, वतन के काम आ जाए वही बलिदान हो जाऊं, वतन के काम आ जाए वही बलिदान हो जाऊं। हर व्यक्ति के जीवन में मोहब्बत होती है, मैं अपनी मोहब्बत आप सबके बीच रखती हूँ। तमन्ना है मोहब्बत की मुझे कुछ इस तरीके की, वतन के नाम जी लूं मैं, वतन के नाम मर जाऊं, वतन के नाम जी लूं
मैं वतन के नाम मर जाऊं। अभी हमारी अयोध्या जब जगमगा उठी थी दीपों से, और तो कुछ भाव उनके भीतर में उठे, कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सब तक पहुंचाती हूँ। बेकरार दिल बता रहा है, बेकरार दिल बता रहा है, करार दिल का तुम्हीं से है। सितारे बन जो चमक रहे, रोशनी तुम्हीं से है। जिसे जब ईश्वर की नजर पड़ती है तो जरा जरा रोशन हो उठता है। तो पंक्तियां देखे, हजारों सूरज को रोशनी दे, हजारों दीपक जला दिए, वही तमन्ना हुई है रोशन, वही तमन्ना हुई है रोशन, जो दीप तुमने जला दिए हैं, जो दीप तुमने जला दिए हैं। ऐसे मैं मुद्दा मंच की कवित्री हूँ, तो जब तक थालियां और वाहवा ना हो तो वो जोश भी नहीं आता है। भाई साहब का आदेश हुआ है तो प्रयास कर रहे हैं आप सबसे जुड़ने का। देखा होगा कि आज हमारे यहाँ जो बच्चे कहीं बाहर जाते हैं कमाने या विदेश जाते हैं, अपने देश में ही दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो वहीं बस जाते हैं और अपने उनके वृद्ध माता पिता अपने घरों में रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो रामायण से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान श्री राम लंका विजय करे, सोने की लंका विजय की भगवान ने, पर वो वहां टिके नहीं, अपनी जन्मभूमि वापस आते हैं, तो उनको यहाँ से सीखना चाहिए। कुछ पंक्तियां इस तरह से आप सबके बीच रखती हूँ। जमी की धूल से उड़कर गगन तक माप आते हैं, परिंदे आसमानों पर ठिकाना कब बनाते हैं, परिंदे आसमानों पर ठिकाना कब बनाते हैं। धधकती धूप निकली है, जीवन में जो भी कठिन क्षण आते हैं पर उससे निश्चित ही उबरते हैं, इसलिए हमेशा जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पंक्तियां देखिए, धधकती धूप निकली है, छटा है रात का मंजर, अंधेरे हो घने कितने उजाले फिर भी आते हैं, अंधेरे हो घने कितने उजाले फिर भी आते हैं, परिंदे आसमानों पर ठिकाना कब बनाते हैं, परिंदे आसमानों पर ठिकाना कब बनाते हैं। सरलता से जमाने में, जिन्हें सब कुछ जीवन में सरलता से मिल जाता है वो सब जीवन के संघर्ष को नहीं समझते। पंक्तियां देखे, सरलता से जमाने में जिन्हें सब मिल गया प्रतिमा, किसी संघर्ष के फिर वो कहां माने समझते हैं, किसी संघर्ष के फिर वो कहां माने समझते हैं, परिंदे आसमानों पर ठिकाना कब बनाते हैं। धन्यवाद, मैं एक मीटिंग में आई हुई हूँ। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप इतने व्यस्तम समय में आपने और आखिरी मोमेंट पे कल रात को ही मेरी बात हुई प्रतिमा जी से, समय दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं, परिंदे आसमानों पर ठिकाना कब बनाते हैं। बहुत खूब, हमारे बीच एक व्यक्ति है जो आसमानों पर परिंदों के ठिकाने तो नहीं लेकिन छोटे छोटे बच्चों के ठिकाने पिछले लगभग 25-30 सालों से बना रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंतिम जिले से जुड़े हुए हैं। श्री कुमार ध्रुव जी बाल कल्याण समिति अनूपपुर के अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ उनका अद्भुत प्रयोग, अनूठा काम करते रहते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी कविताएं या जो भी कविताओं का पाठ करें। कुमार सर, सुन पा रहे हैं कुमार जी? जी शुक्रिया। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं जो कविताओं के महारथी हैं, उनके बीच में अपनी रचनाएं पढ़ना बहुत संकोच में डालता है मुझे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमेशा मन में चलती हैं। कुछ एक कविताएं मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। कविता का शीर्षक है किनारा।
नदी के साथ साथ किनारे भी दूर तक चलते हैं, पर उन अर्थों में नदी पन पर उन अर्थों में नहीं जिस तरह नदी यात्रा करती है। किनारों के पास समर्पण की सार्थकता कहां, नहीं होता किनारों के लिए कोई दरिया जहां वो खुद को सिरा दे। किनारे कटते जाते हैं किंतु आकार नहीं ले पाते, निर्माण नहीं करते किसी कछार का। किनारे सदा से पथरीले, एकाकी, अधूरे, पर किनारे उपेक्षित नहीं। किनारों की यही कर्मठता उनकी विशिष्टता है, सार्थकता है, सुंदरता है कि किनारा होना बड़ी बात है, कि किनारा बनने की योग्यता सब में नहीं। किनारा कठोरता के भीतर पलने वाली कोमलता का नाम है। किनारा कठोरता के भीतर पलने वाली कोमलता का नाम है। एक दो छोटी और लाइनें हैं। पहचान, नाम पहचान है। अक्सर हम इस बात को लेकर गलतफहमी रहते हैं कि हमारी पहचान शायद हमारी हमारा नाम है, लेकिन इस कविता के माध्यम से कुछ एक सवाल है जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं कि नाम पहचान है या रोज जो मिलता है झांकता हुआ आईने से वह शख्स पहचान है। निकलते ही बाहर जिन नामों से बुलाते हैं, जो रिश्ते की बंधी डोर से मुस्कुराते हैं, कितने कितने हंसी आंसू जिम्मेदारियों की रोक, सुबह दोपहर शाम पल पल हर पल मिलने वाले यह पल पहचान है। पहचान को लोग कभी कभी तालियों से, कभी कभी धिक्कार से जानते हैं। जाति, धर्म, आई का बुलावा, भाषा क्षेत्र से भी आयाचित पहचान है हमारी। पहचान की परंपरा पुरानी है, पड़ताल पड़ाव पर अश्वमेध से अशोक चक्र तक बने हैं, पर यह सब तो पहचान नहीं। सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाना पहचान है, साप खोकर अपने को पाने की यात्रा पहचान है। मुझे अपनी पहचान बनाना है। बस चार लाइनें और मैं पढ़ूंगा, समय की मर्यादा है और मेरी इच्छा है कि मैं तमाम लोगों को सुनूं, इसीलिए बस धीरे धीरे दरकता है कुछ, बूंद बूंद बनकर पिघलता है कुछ, आंखों से बरसता नहीं धुआं धुआं मन में घुमड़ता है कुछ, पर ये कुछ बिखरता नहीं, बरसता नहीं, बदलता नहीं। अपरिमित औचक आकार के लिए अकुलाया सा यह आत्म है मेरा। चलते चलते अज्ञेय की चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि आंसू के भरने पर आंखें और चमकने लगती हैं, सुरभित होता है समीर जब कलियां झरने लगती हैं, सीमाओं के पार चला जाता है जब तेरा मादक हास, तुरंत समझ जाता हूं मैं आया समय विदा का पास। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हमारे वरिष्ठ लोग कविता पाठ करते रहेंगे, हम इसको चलाएंगे, एक छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ वत्सला जुड़ी हुई है, वो भी अपनी एक कुछ कहना चाह रही है, तो मैं वत्सला की तरफ देता हूँ, वत्सला एक कविता पढ़ेंगे। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि मेरे प्रिय कवि हैं एवं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन पर मैं एक कविता सुनाने चाहती हूँ, उन्हीं की लिखी हुई एक कविता सुनाने जा रही हूँ। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, निज हाथों से हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कलकछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के शत-शत आकर्षक, जीवन के शत-शत आकर्षक, अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन,
कुछ कांटों से सज्जे जीवन प्रखर प्यार से वंचित यौवन नीर अवता से मुखरित मधुवन नीर अवता से मुखरित मधुवन परहित हर्पित अपना तन मन सब कुछ देकर कुछ न मांगते सब कुछ देकर कुछ न मांगते पारस बनकर ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद वत्सला। एक बच्ची हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है, निशा अवस्थी। बहुत छोटी सी प्यारी बिटिया है, 5 वर्ष की है, वो भी एक कविता पाठ करना चाह रही है। निशा अपनी बात आप। निशा अवस्थी जी रायपुर से। नमस्ते, मेरा नाम है अनिक अवस्थी। बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाया सिर, चूहा बोला उई उई उई। नमस्ते। नमस्ते, चूहा बोला उई उई उई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरुणा जी असम से जुड़ी हुई हैं, आपसे आग्रह है आप ही अपनी शिकायत करें। अरुणा जी नमस्ते। मेरा नाम अरुणा फुकन, मैं कविता ए लिटिल गर्ल, ये मेरा कविता है। ए लिटिल गर्ल, आई एम ए लिटिल गर्ल, माय नेम इज बेबी, आई लाइक द सन, आई लाइक द मून, आई हैव ए लिटिल हार्ट, आई हैव ए स्मॉल स्वीट होम, आई हैव ए lovely family and I have a small place, but I have no school to read, it's give me sad, so I always play with my friends and beautiful flowers the whole day long, I play and play. Thank you. Namaste. Thank you Aruna ji, I'm a little girl, अंग्रेजी की कविताएं भी हमारे मंच पर हैं। मुकेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं, आपसे आग्रह है कि अपनी कविताएं रखें। मुकेश जी। जी जी भाई साहब नमस्कार जी। एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं सबके समक्ष, आशीर्वाद चाहूंगा सभी का। स्वरचित नहीं है, देश के बड़े नामी गीतकार डॉक्टर चक्षण जी का है। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा, बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा, डगमगाते डगों से न नापो डगर, डगमगाते डगों से न नापो डगर, देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए, घर के गमलों में जो नागफनियां लगी, राखे किए रात रानी लगा लीजिए, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओं अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से न यूं उंगलियां मोड़िए, तुम हो कोमल सुकोमल हृदय, तुम्हारा हृदय पत्थरों को न यूं कांच से तोड़िए, कल थे हम तुम जो अब
हम सफल बन गए, कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए, आइए आइए घर इधर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, चले आइए, चले आइए। भाई साहब नमस्कार जी। संतोषी धोत्रे जी जुड़ी हुई हैं, केंद्रीय विद्यालय नर्मदा नगर में हिंदी की टीचर हैं, शिक्षिका हैं, माफ कीजिए अगर टीचर नहीं शिक्षिका गुरु बोलना चाहिए। सहृदय कवि और गंभीर लेखिका हैं, स्त्री विमर्श और बाल साहित्य पर लिखती रहती हैं। संतोषी जी आपसे आग्रह है कि अपना कविता पाठ करें जी। नमस्कार सर, धन्यवाद। एक मुक्तक के साथ अपनी दो छोटी कविताएं शुरू करूंगी। जरूरी है एक त्रासद जीवन को जीने के लिए, जरूरी है एक त्रासद जीवन को जीने के लिए, मान लिया जाए क्षितिज पर धरती आसमान मिलते हैं, मान लिया जाए क्षितिज पर धरती आसमान मिलते हैं, पर चाहती नहीं करना मैं क्षितिज की बातें, चाहती नहीं करना मैं क्षितिज की बातें, क्योंकि हर क्षितिज से एक नया आसमान शुरू होता है, क्योंकि हर क्षितिज से एक नया आसमान शुरू होता है। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करूंगी, जिंदगी। बादल बारिश बेला, बादल बारिश बेला, इंद्रधनुष था सतरंगी क्षितिज, इंद्रधनुष था सतरंगी क्षितिज, और संध्या तारे के साथ सूरज, और संध्या तारे के साथ सूरज, नीली नदी से आती गीली हवाएं, नीली नदी से आती गीली हवाएं, आसपास बिखरे हैं गुलमोहर, आम के बोर, कोयल की तान, और इन सब को छूता हुआ रात रानी से लदा झूला, और इन सब को छूता हुआ रात रानी से लदा झूला, अपनी पींगों में सबसे अलमस्त भूला हुआ सा कोई गीत, अपनी पींगों में सबसे अलमस्त भूला हुआ सा कोई गीत, ऐसी किसी सिंदूरी शाम में हम तुम, ऐसी किसी सिंदूरी शाम में हम तुम, मानो दुनिया ठहरी हुई सी सिमट सी आई जहां थे हम तुम, मानो दुनिया ठहरी हुई सी सिमट सी आई थी जहां थे हम तुम जिंदगी, जहां थे हम तुम जिंदगी। दूसरी छोटी सी कविता है। दीवार पर रेंगती उस छिपकली और हम में कितनी समानता है, दीवार पर रेंगती उस छिपकली और हम में कितनी समानता है, रेंगना उसकी दिनचर्या है और हमारी आदत, रेंगना उसकी दिनचर्या है और हमारी आदत, हमारी मजबूरी, वो भी रेंग रही है और हम भी, वो भी रेंग रही है और हम भी, बिल्कुल उसी की तरह जब हमारी पूंछ कटती है तो हम भी कुछ समय के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं, कुछ समय के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कहीं कोई आक्रोश, दर्द, बेचैनी नहीं रहती और फिर एक नई पूंछ उगाती है जिसके कट जाने का दर्द नहीं होता, जिसके कट जाने का दर्द नहीं होता। धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत बढ़िया। नीली नदी से आती गीली हवाएं, अद्भुत प्रयोग है दीदी, बहुत ही शानदार। शब्दों की किमियागिरी इसी को कहते हैं, और ये कभी ही समझ सकता है कि किस अक्षर को, किस शब्द को कहाँ रखा जाए कि इस प्रकार की रचना बनती चली जाए। बहुत शानदार। तो और किस जी जी, हमारे बीच दो और कवि जुड़ने वाले थे, किसी कारणों से एक राजभवन में उनका प्रोग्राम चल रहा, फ्री नहीं हो पाए हैं, तो अभी हमारे पास समय है। और भी कुछ लोग अगर अपनी कविताएं रखना चाहते हैं, कोई और भी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ममता आप अपना हैंड रेज कर लेंगे, मैं आप उनको ले लूंगा। ममता दीदी शायद और कुछ कहना चाह रही, ममता दीदी आप एक दो कविताएं और पढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी जी। भाई साहब एक छोटी सी कविता आज के माहौल पर, बेरोजगारी और गरीबी के ऊपर और बेटियों के संग होते अत्याचार के ऊपर, बहुत छोटी सी कविता। भाई साहब आईने के सामने से निकल कर वो कुछ झिझकी,
कुछ ठिठकी, फिर पूरा ध्यान माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों की तरफ खिंच गया। पसीने की बूंद में एक तस्वीर और हर एक बूंद की एक कहानी। अरे ये पसीना नहीं, ये तो निरसिया है। तन पर आंख बंद करके भाई साहब इमेजिन करेंगे कि यह तो निरसिया है कि तन पर कपड़ों के नाम पर चिथड़े लटके हुए, चंद चिथड़े जो पर्दा बनकर इधर उधर लटक रहे थे, सर पर लकड़ी का गट्ठा रखकर भागती हुई मन की उथल पुथल को होठों में बुदबुदाती, मन की उथल पुथल को होठों में बुदबुदाती, मानो अपनी ही पीड़ा से अपने को गुदगुदाती। घर पर चुनिया भूख से रोती होगी, मुनिया का वो क्या खार रख पाती होगी। आज तो तनख्वाह का दिन था, मजदूरी पाकर बाप सुमेरवा कहीं पड़ा होगा, हो सकता है कि अपने खीसे निपोरता होगा। इस लकड़ी के गट्ठर को बेच देगी तो राशन आ जाएगा, और राशन ले आएगी तो चूल्हे में क्या जल पाएगा। राशन ले आए कि चूल्हा जलाए कि लकड़ी बेच आए, इस उहा पोह में निरसिया अपने आप को बेबस पाकर उसकी आंखें भीगी। चिंता और थकान और परेशानी से उसके माथे पर पसीना उभर आता है, और मेरे माथे की पसीने से एक सार होता हुआ टप से जमीन पर टपक जाता है। मेरा मन इसी व्यथा और पीड़ा से वापस आईने की तरफ चला जाता है, फिर एक ध्यान चला जाता है पसीने की तरफ, पर ये पसीना नहीं, ये निरसिया नहीं, ये कैलसिया थी। वो कैलसिया जो बिंदास और भोली, गन्ने की गडेरी की तरफ मीठी रस भरी और शैतान, इधर उधर इतराती, दिन भर खूब धूम मचाती। माँ चिल्लाती, कहती बच्ची नहीं 14 बरस की है, चला मेरा काम, मेरा काम में हाथ तो बटा, पर कैलसिया अनाज अनसुना कर भागती। इधर उधर घूमती कैलसिया को भाती, पहाड़ों की छांव, पेड़ों की छांव, सूरज की धूप और अपना गांव, खेतों की मेड़ पर उछलना कूदना, और इधर उधर घूमते हुए आम इमली तोड़ना। इसी आम इमली तोड़ने की धुन में और इसी गन्ने और गेहूं के खेत में एक दिन इस चांद पर ग्रहण लग गया। एक दिन इस चांद पर ग्रहण क्या, एक दाग लग गया। अब कैलसिया कहीं नजर नहीं आती, एक कली मानो फूट मसल कर कुमला सी गई, मानो पूरी प्रकृति उस समय थम गई। नदी का बहाव और समुद्र की ठाटे जहां की जहां रह गई, अब कैलसिया किसी को नजर नहीं आती। कैलसिया दिन भर काम करती, माँ का हाथ बटाती और सूनी आंखों से सबको निहारती। माँ समझती कैलसिया शायद अब बड़ी हो गई है, इसलिए उसकी गुलाबी आभा जो मुस्कुराती थी अम्मा अब देख नहीं पाती, उसकी गुलाबी आभा अब नहीं मुस्कुराती। हरे भरे खेत अब उसे आम इमली सब कुछ सूने और फीके लगते, सूरज की धूप उसके बदन को छुपती। कैलसिया शायद बड़ी हो गई, अम्मा ये सोचती। चूल्हे के सामने आंच और वेदना से उसके चेहरे पर पसीना उभर आता है। मेरे आत्मा को चीत्कार करते हुए, मेरी आत्मा के संग चीत्कार करते हुए मेरे माथे से जाकर मेरे हृदय की आत्मा में कहीं समा जाता है। और मैं एक प्रश्न उछालती हूँ आप सबकी ओर, अपने उस समाज की ओर, कि टप से टपके हुए इस पसीने के को कब तक ये समाज ऐसे पसीने की बूंदों में जीता रहेगा? कब तक निरसिया और उसके बच्चे भूखे सोते रहेंगे? कब तक कैलसिया के दामन को छूने वाले भेड़िए निर्द्वंद समाज में घूमते रहेंगे? और कब तक इस पसीने का खुरदरापन, कब तक इस पसीने का खट्टापन जो है लोगों के मन को कसैला नहीं कर पाएगा? और कब ये समाज जागेगा और कब इस पसीने के मोल को गढ़ पाएगा? जय हिंद, जय भारत। और किसी की कुछ है कविताएं जो भी सुनाना चाहते हैं? जी सज्जन सिंह जी, आपने हैंड रेज किया है, सज्जन सिंह राजपूत, अपना माइक अनम्यूट कर लें। चलिए जब तक वो अनम्यूट करते हैं, मैं आपको एक हमारे बड़े भाई और कुमार साहब मुस्कुरा रहे हैं, कटनी के सतीश आनंद जी हैं, ये मुझे बहुत बेहद प्रिय कविताएं हैं उनकी, दो चार पंक्तियां सुनाता हूं। मैं लिखता नहीं हूं, एक बार प्रयास किया लिखने का तो पता चला घर में सब लिखने लगेंगे तो पढ़ेगा कौन, तो हमने हथियार डाल दिए। कि जिसको तुम अभिमान कह रहे वह तो मेरा स्वाभिमान है, जिसको तुम अभिमान कह रहे वह तो मेरा स्वाभिमान है। दुश्मन भी द्वारे आए तो उसको सम्मान मिलेगा, पुरखों से जो मिली विरासत उसको मैं कैसे छोड़ूंगा, संस्कार जो मिले साथ में उनसे मुंह कैसे मोड़ूंगा, और लेन देन का नियम यही है इसमें बुरा मानना कैसा, लेन देन का नियम यही है इसमें बुरा मानना कैसा। जितना जैसा दिया है तुमने वैसा ही प्रतिदान मिलेगा, दुश्मन भी द्वारे आए तो उसको सम्मान मिलेगा,
अगली पंक्तियां देखिए कि तुम सूरज सम तेजवान हो, इससे तो इनकार नहीं है। तुम सूरज सम तेजवान हो, इससे तो इनकार नहीं है। जर्रे सा मेरा वजूद पर झुकने को तैयार नहीं है। माटी को आकार मिला जो, पका तो वैसा बना रहेगा। और लचक साख में कैसी भी हो, तना तो फिर भी तना रहेगा। दुश्मन भी द्वारे आए तो उसको सम्मान मिलेगा। सतीश आनंद जी की ये पंक्तियां आपके समक्ष रखी। और अगर आप किसी ने कुछ नहीं कहना है तो मैं आईटी सेल की तरफ चलूंगा। आईटी सेल, आपकी कुछ तैयारियां हैं दिखाने के लिए? आईटी टीम जी, दीदी आप कुछ कह रही है? मधु दीदी, दो लाइन सर मैं भी गा देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, स्वागत है। ओ रे चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है गाना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से। दीदी आपकी आवाज चली गई। अंगना में फिर आ रही सर? जी जी आ रही। अंगना में फिर आ जा रे, हमने तुझ पे हजारों जुल्म है किए, हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी, ये जमी तेरे बिन सुनी हो जाएगी, सुनी हो जाएगी। धन्यवाद सर। तो आईटी टीम शेयरिंग जी। आवाज साउंड कीजिए। ये आज जो हम भोपाल के बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार, आ रही है आप शेयरिंग? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर जी, बता रहा हूँ। ये हमारे भोपाल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो पाठशाला की हम बात कर रहे थे, इन बच्चों को सूर्य नमस्कार, छोटे छोटे मंत्र, छोटे छोटे भोजन मंत्र, ये सारी चीजें इनको बताई जाती हैं इस पाठशाला में, और खूब मस्ती होती है। लगभग हमारे 4 इमली के बच्चे हैं ये। वीडियो आपका बंद हो गया? दिख रहा है सर जी जी। साउंड ला सकते हैं क्या? साउंड नहीं आ रहा।
तो ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए थे भोपाल के विभिन्न जगहों से और ये सूर्य नमस्कार और ये सारी चीजें करते हैं। तो बहुत शानदार कविता पाठ हुआ आज हमारा सबके आप लोगों के सामने, और इतना बड़ा टैलेंट है हमारे समक्ष ये भी हमको आज पता चला। अभी हमारे पास 1-2 मिनट का समय है, अगर कोई कुछ कहना चाहे अपनी बात तो रख सकता है, हैंड रेज कर सकते हैं। ये तो हम इसको जी सज्जन सिंह जी, आपने पहले भी हैंड रेज किया था, अपनी बात रखें। जी नमस्कार सभी को। राष्ट्रीय बाल दिवस की पूर्व संध्या पर जो कविता पाठ हो रहे जी, उसके उपलक्ष्य में एक कविता के रूप में ही है जी, स्वागत है। बाल गोपाल के रूप में, यानी कि जो वास्तव में हमारे भारत के लिए और जो काम हम लोग करते हैं उसके निमित्त जी, और उसके बारे में हम जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। यानी मैं प्रस्तुत करता हूँ। बाल है गोपाल है हम, बाल है गोपाल है हम, भारत माँ के लाल हैं। बाल है गोपाल है हम, भारत माँ के लाल हैं। पुरुषोत्तम मर्यादा धारी, द्वापर में हम कृष्ण मुरारी। पुरुषोत्तम मर्यादा धारी, द्वापर कृष्ण मुरारी। हर युग में कर धर्म ध्वजा ले, बेजंती गलमाल है। भारत माँ के लाल हैं हम, भारत माँ के लाल हैं। वीर शिवा राणा अभिमानी, गुरु गोविंद सिंह ये बलिदानी। वीर शिवा राणा अभिमानी, गुरु गोविंद सिंह ये बलिदानी। बंदा बेरा गी जैसे के तेजस्वी हम लाल हैं। बंदा बेरा गी जैसे के तेजस्वी हम लाल हैं। हम भारत माँ के लाल हैं। नाना तात्या रानी झांसी, नाना तात्या रानी झांसी। प्रियंकर बन चूमी फांसी, पांडे मंगल कूका फड़के। पांडे मंगल कूका फड़के, धधक उठे वे ज्वाल है। हम भारत माँ के लाल हैं, हम भारत माँ के लाल हैं। दयानंद अरविंद विवेका, दयानंद अरविंद विवेका। एक तत्व के रूप अनेको, दिव्य ज्योति केशव माधव की। स्पंदित हर प्राण है, हम भारत माँ के लाल है, हम भारत माँ के लाल है। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बस शुक्रिया कहना चाह रहा था इस अच्छे आयोजन के लिए, और मुझे लगता है कि हर मौके पर इस तरह, खास मौके पर रिपीट जरूर हो इस तरह आयोजन। हम प्रयास करेंगे। वास्तव में हमारे जो दो मुख्य कवि नम्रता जी जुड़ने वाली थी नोएडा से जी, आसी प्रतिभा जी जुड़ने वाली थी ग्वालियर से, किन्हीं कारणों से वो लोग नहीं जुड़ पाए, नहीं तो थोड़ा हमारे आयोजन और